Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about social learning theory by Bandura. Okay, Bandura ke according learning kya hai? Jo hum dusron se acquire karte hain. Means hum kisi ko apna role model samajhte hain. Wo kya ho sakte hain? Hamare parents ho sakte hain, teacher ho sakta hai, ya society ka koi bhi member ho sakta hai. Kai logo ka role model koi film star hota hai. Koi log Salman Khan ki tarah banna chahte hain, to usse apna role model samajhte hain. Koi log apne favorite teacher ki tarah banna chahte hain, to usse apna role model samajhte hain. Kuch log apne पापा की तरह बनना चाहते हैं तो उसे अपना रोल मॉडल समझते हैं. मीन तो यहाँ पे जो हम लर्निंग की बात करेंगे वो हम दूसरों के बिहेवियर को देखकर, उसे ऑब्जर्व करके, उनके एटीट्यूड को ऑब्जर्व करके, उनके इमोशंस को ऑब्जर्व करके जो सीखते हैं उसे लर्निंग बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं बंदुरा के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है. लर्निंग इज ऑब्जर्विंग इमोशंस, बिहेवियर and attitudes of other. Okay, learning basically क्या है? Observing emotions, behavior and attitudes of other. Okay, simply learning क्या है? Simply learning can acquire by watching and listening other. Okay, सिंपली लर्निंग कहाँ से आती है? दूसरों को देखकर, दूसरों को सुन करके. ओके, और जिस बंदे को आप ऑब्जर्व करते हो उसे बोलते हैं मॉडल. ओके, द पर्सन हुज इज ऑब्जर्विंग इज कॉल्ड मॉडल. ओके, जिस बंदे को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं? मॉडल. ओके, जैसे एक बच्चा है वो क्या करता है, कैसे सीखता है? वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, फिर वो सीख लेता है कि उसके आसपास के लोग कैसे बोलते हैं, कैसे बातें करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करके वो सीखता है. जैसे एक बच्चा क्या क्या अपने पापा को ऑब्जर्व करता है, उसके पापा जैसे बिहेव करेंगे वो भी बड़ा होकर वैसे ही बिहेव करता है. ऐसे मानते हैं कि एक बच्चा वैसे ही बिहेव करेगा अपनी वाइफ के साथ जैसे उसके पापा ने उसकी मम्मा के साथ बिहेव किया था. अगर उसके पापा उसकी मम्मा को बड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं तो वो भी बड़ा होकर अपनी वाइफ को बड़ा ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेगा. अगर उसके पापा उसकी मम्मी के साथ अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं, उनको मारते पीटते, रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते, तो उसका भी ओपिनियन औरतों के बारे में वो ही रहेगा और वो भी बड़ा होकर अपनी वाइफ के साथ ऐसा ही करेगा. ये मैंने आपको एक सोशल लर्निंग का एग्जाम्पल दिया है बंदुरा के अकॉर्डिंग, कैसे एक बच्चे ने अपने पापा को ऑब्जर्व किया और उसी बिहेवियर को अपनी रियल लाइफ में अडॉप्ट किया. ओके, मीन्स यहाँ पे लर्निंग क्या है? जो हम दूसरों से एक्वायर करते हैं, दूसरों के इमोशन को, एटीट्यूड्स को अपना के जो लर्निंग एक्वायर करते हैं वो क्या है? लर्निंग बंदुरा के अकॉर्डिंग. ओके, अब बंदुरा अपने लर्निंग में बात करते हैं रेसिप्रोकल इंटरेक्शन की. अब ये रेसिप्रोकल इंटरेक्शन क्या है? ओके, यहाँ पे मैं आपको रेसिप्रोकल इंटरेक्शन की बात करती हूँ जो कि बंदुरा ने कहा है लर्निंग के लिए. रेसिप्रोकल इंटरेक्शन. ओके, अब ये रेसिप्रोकल इंटरेक्शन किसके बीच में? रेसिप्रोकल इंटरेक्शन एनवायरमेंट बिहेवियर, एनवायरमेंट बिहेवियर कॉग्निटिव, ठीक है, इनके बीच में रेसिप्रोकल इंटरेक्शन. ओके, मींस एनवायरमेंट और बिहेवियर के बीच में भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है. कॉग्निटिव क्या होता है? हमारी थिंकिंग, हमारी सोच. कॉग्निटिव और एनवायरमेंट के बीच में भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है. बिहेवियर और कॉग्निटिव के बीच में भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है. जैसे बिहेवियर और एनवायरमेंट के बीच में कैसे? हमारा बिहेवियर हमारे एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है. जैसे एक बंदा जब रूरल एरिया में रहता था तो उसका बिहेवियर अलग था, उसकी पर्सनैलिटी अलग थी, लेकिन जैसे उसका एनवायरमेंट चेंज हुआ, वो रूरल से अर्बन एरिया में आया, तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया. तो यहाँ पे उसके बिहेवियर पे किसका फर्क पड़ा? एनवायरमेंट का. ओके, उसके एनवायरमेंट ने उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया, ठीक है. इसी तरह बिहेवियर क्या करता है? हमारे एनवायरमेंट को चेंज करता है. सिंपली क्या है?
हमारी जो सोच है वो भी क्या है, एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती है. हमारी सोच से भी हमारे सराउंडिंग एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस होता है. अगर हमारी सोच क्या है, पॉजिटिव है, हर चीज को हम पॉजिटिव देखते हैं, तो हमारा एनवायरमेंट भी वैसे ही क्रिएट हो जाएगा. ओके, अगर हम हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं तो हमारा एनवायरमेंट भी वैसा ही क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि हमारी थिंकिंग पे भी एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है. ओके, हमारी जैसी सोच होगी हम वैसा ही एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे. ऑब्वियसली अगर हमारी पॉजिटिव सोच है तो हम लोगों के साथ पॉजिटिवली बिहेव करेंगे. अगर हमारे साथ कोई रूड बिहेवियर भी करता है तो हम सिंपली उसे अवॉइड करेंगे. मीन्स हमें भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव एनवायरमेंट मिलेगा. दूसरी, अगर हमारी नेगेटिव थिंकिंग है तो हम वैसा ही बिहेव करेंगे तो हमें उस वैसा ही एनवायरमेंट मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि हमारा एनवायरमेंट हमारी सोच से इन्फ्लुएंस होता है और हमारा एनवायरमेंट हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करता भी है. दूसरी तरफ बिहेवियर और कॉग्निटिव मींस बिहेवियर और सोच में भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है. हमारा जैसा बिहेवियर होगा वैसी ही हमारी सोच होगी. ओके, मींस हमारे बिहेवियर्स ऑब्वियसली जैसे मेरी थिंकिंग है, जैसे मेरे माइंड में चल रहा है वैसे तो मैं बिहेव करूंगी और मेरे बिहेवियर से तो मेरी थिंकिंग बनेगी. अब मैं कंटिन्यूटी नेगेटिव बिहेव करती हूँ, मैं कंटिन्यूटी बड़ा रूड बिहेव करती हूँ तो वैसे ही मेरी थिंकिंग बन जाएगी. ओके, मैं बहुत पोलाइट हूँ, मैं सबके साथ पोलाइटली बोलती हूँ, जो भी मानो आर्ग्यूमेंट्स उनको अवॉइड करती हूँ तो वैसे वैसा मेरा बिहेवियर वैसी मेरी थिंकिंग बन जाएगी. मींस इसमें क्या बताना चाहता है, बिहेवियर और सोच में भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, एनवायरमेंट और बिहेवियर में भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, एनवायरमेंट और कॉग्निटिव में भी क्या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है. ये बंदुरा ने अपनी लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करी है रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में, किसमें, बिहेवियर में, एनवायरमेंट में और कॉग्निटिव में. अब मैं बात करती हूँ प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय बंदुरा. ओके, बंदुरा ने अपनी लर्निंग में फोर स्टेप की बात की है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय बंदुरा, प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ओके, इसमें सबसे पहले आएगा अटेंशन प्रोसेस. ओके, फिर आएगा रिटेंशन प्रोसेस. ओके, फिर आएगा मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस. ओके, उसके बाद आएगा रीइंफोर्समेंट प्रोसेस. ओके, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग किसके अकॉर्डिंग, बंदुरा के अकॉर्डिंग. ओके, बंदुरा ने अपनी लर्निंग में फोर प्रोसेस की बात की है, अटेंशन प्रोसेस, रिटेंशन प्रोसेस, मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस और रीइंफोर्समेंट प्रोसेस. ये मैं आपको बताती हूँ. अटेंशन प्रोसेस, लर्निंग का जो पहला स्टेप क्या है, जो भी हमारा रोल मॉडल है जिससे हमने सीखना चाहते हैं उसकी तरफ क्या करो, अटेंशन पे करो. पे अटेंशन टुवर्ड्स एक्शन ऑफ मॉडल. ओके, जिस बंदे से मैं सीखना चाहती हूं, जिसे मैं अपना रोल मॉडल मानती हूं, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसकी तरफ मैं ध्यान तो दूं. अगर मैं कहने को तो बोल रही हूँ वो मेरा रोल मॉडल है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उसकी तरफ मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही हूँ तो लर्निंग तो होगी नहीं. तो लर्निंग का जो पहला स्टेप क्या है, जो भी आपका मॉडल है उसकी तरफ अटेंशन पे करो, वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है. और सेकेंड स्टेप क्या है कि जो कुछ भी आपके, अब आप पहले जब आपके सामने आपका रोल मॉडल था, आपने उसको अच्छे से देखा, अच्छे से सुना, अब वो नहीं है, अब वो क्या कह के गया, क्या बोल के गया, वो आपको याद है? आप दो मिनट में भूल गए उसने क्या कहा, क्या करने को कहा, तो किस बात की लर्निंग हुई. लर्निंग का सेकंड स्टेप क्या है, आपके रोल मॉडल ने जो कहा, ठीक है, उसने जो एक्टिविटी की, उसे आप उसको आपके माइंड में होना, उसको आपको याद में होना, मीन्स आपको पता हो कि उसने क्या बोला था, क्या कहा था. सेकंड स्टेप क्या है कि रिमेंबर द एक्टिविटी या एक्शन ऑफ मॉडल इफ इट इज नॉट लॉन्गर अवेलेबल. ठीक है, अब आपका रोल मॉडल आपके सामने नहीं है लेकिन आपको सब याद है उसने क्या बोला. हाँ, कुछ बातें आप भूल सकते हो लेकिन मोस्ट ऑफ दी बातें, मोस्ट ऑफ दी उसकी एक्टिविटी आपको सब याद. सलमान खान आपका फेवरेट हो गया,
सलमान खान की आपको मूवी, आप मूवी देख के आए लेकिन सलमान खान ने उसमें क्या डायलॉग्स यूज करे थे वो आपको याद ही नहीं है, तो सलमान खान किस बात का आपका रोल मॉडल हुआ? हुआ ही ना। मीन्स पहले आपने उसको ध्यान से देखा, फिर उसने क्या बोला, क्या एक्टिविटी करी, उसका आपको याद में होना, उसका आपका पता होना, ठीक है। तो ये हो गया लर्निंग का सेकेंड स्टेप। अब लर्निंग का थर्ड स्टेप क्या है? वॉचिंग मस्ट बी कन्वर्ट इन डूइंग। हाँ, आपने रोल मॉडल को ध्यान से सुना, ध्यान से देखा उसकी बातों, ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप, आपने उसकी बातों को याद भी रखा, अब उसकी बातों को रियल लाइफ में यूज तो करो। मीन्स वॉचिंग मस्ट बी कन्वर्ट इन डूइंग, उसकी एक्टिविटी, उसके एक्शन को रियल लाइफ में यूज तो करो। ओके, तो ये क्या है? मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। वॉचिंग मस्ट बी कन्वर्ट इन डूइंग, ठीक है। उसके बाद आएगा री एनफोर्समेंट। ओके, द पर्सन विल एग्जिबिट एक्शन ऑफ मॉडल इफ ही गेट पॉजिटिव रिवॉर्ड, ठीक है। वो बंदा उस रोल मॉडल के बिहेवियर को कंटिन्यू करेगा अगर उस बिहेवियर को अडॉप्ट करने से उसे पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है, उसके साथ अच्छा ही हो रहा है, ठीक है, उसको सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, एक बंदा क्या है, सलमान खान की नकल कर रहा है, सलमान खान उसका रोल मॉडल है, ठीक है। अगर लोग उसके इंसल्ट कर रहे हैं, तू तो सलमान खान के साथ बिल्कुल भी नहीं है, सलमान खान ने ऐसा बोला था क्या, उसको डीमोरलाइज कर रहे हैं, उसको इंसल्ट फील हो रहा है, फिर वो उस बिहेवियर को कभी यूज नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसको क्या है, पॉजिटिव एनवायरमेंट मिल रहा, सारे ये बोले वाह तू तो बिल्कुल सलमान खान की तरह लगता है, तेरे डायलॉग तो बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं, फिर वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। मीन्स वो बिहेवियर करने के बाद अगर आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको प्रेज मिल रहा है, तो आप उस बिहेवियर को रिपीट करोगे, उस बिहेवियर को बार बार करोगे। अगर आपको दूसरी तरफ कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर आप उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करोगे। यहाँ पे मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल देके बताती हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ओके, जैसे मान लो ये गर्ल है, ओके, ये उसकी इकोनॉमिक्स टीचर है, ओके, ये इको टीचर और ये नेहा, ओके, नेहा रोज अपनी इकोनॉमिक्स टीचर के लेक्चर सुनती है, वो अपनी इकोनॉमिक्स टीचर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, वो अपनी इकोनॉमिक्स टीचर के जैसा ही बनना चाहती है। तो नेहा का पहला स्टेप क्या होगा, अगर नेहा को अपनी इकोनॉमिक्स के टीचर के जैसा बनना है तो पहला स्टेप क्या होगा, नेहा को इकोनॉमिक्स टीचर ने अपनी क्लासरूम में क्या कहा, कैसे पढ़ाया, कैसे समझाया, वो उसकी सबकी तरफ से ध्यान देना पड़ेगा। कहने को तो वो इकोनॉमिक्स टीचर जैसा बनना चाहती है लेकिन क्लास में वो सो जाती है, फिजिकली प्रेजेंट होती है, मेंटली प्रेजेंट नहीं होती, तो लर्निंग तो होगी नहीं, लर्निंग तो यहीं पे खत्म होगी। अगर उसे इकोनॉमिक्स टीचर जैसा बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ध्यान से उसे सुनना पड़ेगा, ठीक है, उसकी तरफ अटेंशन पे करनी पड़ेगी। ओके, तो और सेकंड स्टेप क्या है, रिटेंशन प्रोसेस। अब उसकी इकोनॉमिक्स टीचर क्लासरूम से चली गई, उसकी इकोनॉमिक्स टीचर उसके अगले दिन, ठीक है, या फिर वो घर पहुंचगी तब उसकी इकोनॉमिक्स टीचर ने क्या बताया, क्या समझाया, उसे सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये लर्निंग का क्या है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है, अगर वो इकोनॉमिक्स टीचर की तरह बनना चाहती है तो उसे कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अगर वो इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा सर्च कर रही है, इकोनॉमिक्स को डीपली पढ़ रही है, उसके नोट्स बना रही है, उसमें बड़ा कंसंट्रेशन होकर स्टडी कर रही है, तो इसका मतलब है उसने अपनी एक्टिविटी को अपनी रियल लाइफ में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, उसने वो काम शुरू कर दिया। सिर्फ उसकी लर्निंग टीचर को देखने और उसकी बातों को याद करने तक लिमिट नहीं रही, उसने उस बात को रियल लाइफ में कन्वर्ट भी कर दिया है, उस रास्ते पे चलना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। अब क्या है, रीइन्फोर्समेंट प्रोसेस। अब मार्क्स अच्छे आते हैं, उसको वो इकोनॉमिक्स टीचर भी प्रेस करती है, उसके पेरेंट्स भी प्रेस करते हैं, मींस वो एक्शन लेने के बाद उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है, हर कोई उसके बारे में अच्छा ही बोल रहा है, फिर वो क्या करेगी, उसी एक्टिविटी पे कंटिन्यू चलेगी क्योंकि उसका जो रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो ये थी बंदुरा की सोशल लर्निंग जिसमें उन्होंने फोर स्टेप के बारे में डिस्कस किया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।